भी जो आप बना है आपको मैं दिखाऊंगा, आप देख चुके भी हैं। ये हमारा जहाँ बाबा जी बैठे हैं, ये मंदिर है भगवान उपस्थित। भंडार हो गया वैसे बदलते रहे इसी जगह, धीरे धीरे भक्तों भी जोड़ने लगा है। भक्त तो जोड़ने लग गया, महाराज जी बड़ी तपस्वी थे और सिद्ध महात्मा थे। आज उनके बारे में बोलिए थोड़ा सा दो शब्द, आपका उसका सानिध्य सानिध्य कैसा लगा? बड़े महाराज जी की ऐसी व्यवस्था है कि पहले ब्रह्म बाबा ही यहाँ थे, जंगल था। अच्छा है, ये सुनना चाहता हूँ बात है। एक कहानी बोलिए, 82 का आगे गाड़ियाँ शायद एक लाइन थी उस समय। अंग्रेजी शासन था सब 42 में। अच्छा 42 का है, है एकदम 42 में हमारा भारत सब इंग्रेज लोग था। उसी समय आए तो इसी लाइन से निकले महाराज, तो ये सीगल पार किए ना, उनको यहाँ आकर्षण हुआ। अच्छा आकर्षण हुआ कि कोई बोल रहा है कि यहाँ आओ, मैं अकेले हूँ, इधर आओ, अकेले हूँ, बार बार ऐसा होने लगा। तो ये गए चुचुलिया पारा फाटक जो है उसके आगे मंदिर है, कुआँ है बड़ा, वो कुआँ के पास में आए, नहाऊंगा धोऊंगा। वहाँ पूछे कि किसी ने बताया कि ब्रह्म बाबा है, देवता का स्थान है, तो उन लोगों ने बताया है, ले चलोगे? जब यहाँ से लाइन पकड़ के आए ब्रह्म बाबा, यहाँ तो कुछ नहीं था, झाड़ था, पूरा जंगल विश्राम का झाड़ था, जंगल था, झाड़ था। और ये जो कुआं देखते हैं, है कुआं, आपको मैं एक मिनट, ये जो सामने देखिए आप कुआं एक देख रहे हैं ना, ये जो कुआं बहुत पुरातन कुआं है, ये 1942 से इसको जब माने श्री रामदास जी महाराज जो है उस जमाने का कुआं है। बोलिए, ये कुआं उस जमाने के है, उस समय झिरिया था। अच्छा, झिरिया टाइप का था, जमीन से पानी बहता। अच्छा अच्छा, तो ऐसा कोर के उसमें से पानी लेते, कोयला इंजन था। अच्छा, उस समय कोयला लोकोमोटिव था, कोई लोकोमोटिव था। महाराज जी जब यहाँ आए तो यहाँ बैठे बैठे तो उनको शांति मिली, तो देखे क्या बिच्छू का एक चाटी जैसे लाइन चल रही, बिच्छू का थोड़े देख में देखे तो सर्प का भी उधर लाइन, सर्प भी बिखरा हुआ सब चल रहा, अब बिच्छू भी लाइन से चल रहा। महाराज जी डर गए, दो दिन रुकने पर, दो दिन तक रुके हो जिस भी पड़ता, दो दिन के बाद डर गए, डर गए तो बोले ब्रह्म बाबा से, यहाँ पर मैं नहीं रुक सकता, यहाँ इन लोगों के सामने हमको डर लगता है। ब्रह्म बाबा बोले नहीं कुछ करेंगे, बोले भले ही नहीं करें लेकिन नींद नहीं आएगी, डर लगा रहेगा। इतने में बातचीत हो ही रही है तो चार आदमी वो रेलवे के झूला होता है गार्डन में रखते हैं, वो धर के आ रहा। अभी ये यही है, बातचीत हो ही रही तो वहाँ से झूला धर के आए और लोहे के लाड वाला खड़ा कर दिया। बोले यहाँ कोई साधु आया है क्या? हाँ साधु, कहाँ? तो देखा आप ही हो, तो बोला ये झूला आपके लिए आया है, महाराज जी से बोले
कौन भेजा है? साहब भेजा है। कौन साहब भेजा है? ये झूला लग गए। बड़े बाबू बोले आप तो रह सकते। तब वो ना नहीं किए, इतना मेहनत से मंगा नहीं थी। ऐसे प्रकार से दो चार पाँच दस दिन और गया। अचानक महात्माओं की जमात जा रही थी जगन्नाथ, तो उस समय 300 मूर्ति की जमात थी। 300? बाबा से तो भयंकर झुंड एकदम। उन लोगों को टाइम हो गया, यही उतरूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, तब जाऊंगा। तब पूछे कोई साधु रहता है, बोले हाँ वो ब्रह्म बाबा में साधु थोड़ा दिन से आए। तो सोचे चलो साधु होगा तो कोई ना कोई व्यवस्था भी होगा। तो वो लोग अचानक आ गए तो चारों तरफ जंगल में फैले। ये झिरिया था ही, वो झिरिया से कमंडल लेकर स्नान करके सब तपस्या में भीड़ गया। पूरा वो अग्नि जलाना चारों तरफ से धुनी तापने करके और खप्पर रखना और सब भीड़ गए। लकड़ी की तो कमी थी नहीं, कंडे की कमी थी नहीं, सब जंगल था, गौ लोग आते थे तो सब गंडा कंडा बीन के अग्नि लगा। तो पूरी ये बगल से इस तरफ एरिया में धुनी लग गई है महात्मा। अब भोजन छाजन इतने में ब्रह्म बाबा की कृपा, कामर पहले चलता था। क्या चलता था? कामर। कामर मतलब मैंने ये लाठी एक ठो रख ली ऐसे हाँ। इस तरफ बॉडी झूला लिए। अच्छा 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 ठीक ठीक। आइए राशन पानी लेके आगे आगे बढ़ते। पहले आदमी कंधे में कंधे में लेके चलते हैं। तो वैसे ही कंधे में लेके चार छह आदमी आया और राशन ले रखा। फिर बाद में तो लाइन लग गया, राशन बहुत आ गया, भरने की जगह नहीं थी। सब आके यहाँ रख दिए, कौन भेज रहा है? साहब भेज रहे। खाली साहब का नाम हो रहा, कौन साहब भेज रहा है इसका पता नहीं। अब राशन लग गया, महात्मा लोग थे सब बनाने खाने का। अभूतपूर्व है हाँ। तो गौतीय लोग थे, यहाँ गौतिया लोगों का शासन अगल बगल का। तो महाराज जी के पास एक आध ठो गौतिया जुड़ गए थे। अच्छा। चार पांच दिन में जुड़ गए थे गौतिया, आते रहते थे हाँ। तो उन लोगों को शासन था, गौतियों का शासन था यहाँ। वो थाने से ज्यादा पावर रखते थे गौतिया, जादव लोग का, जिसको भी पकड़ के बांधो मार दो, काम कराओ, बेदारी कराओ, वो लोग बोलते हैं। ये इलाका उनका होता था, चार गांव हमारा, चार गांव, पांच गांव, दस गांव का एक गौतिया होता। तो वो जमींदार जिसको कहे जमींदार। तो वो लोग एक आध दो जुड़ गए, उनका देखे देखे दो एक ठो और जुड़ गए। वो लोग जब देखे तब उन लोगों को भी भाव जल गया। तो लोग कुटिया का अपने अपने गांव में इतला कर दिए कि आज ब्रह्म बाबा में जाके बांस बल्ली ये सब वहाँ से ले और जाके सब छाओ, सब कुछ श्रम दान करो। तो सब आके थोड़ा थोड़ा कुटिया बनाना, सब सामान को लग देना, ऐसा हर गांव जोड़ने लगे। तो यहाँ बताते हैं कि ढेका ढेका का गौतिया, ढेका का गौतिया वो जुड़ गया। वो भी बाबा जी के साथ दम लगाता था गाजा, वो भी लग गया। हल्दी का गौतिया, तोरवा का गौतिया,
अब एक दो गौटिया जुड़ा तो बहुत गौटी है अब यहाँ बैठक होने लगे, तो आश्रम का निर्माण थोड़ा थोड़ा कुटिया बन गई और महात्मा जी का राशन जितना था वो अब भोजन साजन महात्मा जी किए, रात विश्राम किए, सवेरे फिर वो लोग निकल नहीं सवेरे नहीं शाम को निकल, रात रहे सवेरे भोजन उजन बना और फिर शाम को वो लोग निकल गए। अब राशन बहुत हो गया तो महाराज जी उसी समय से ऐलान कर दिए कि जो संत आएंगे उनको यहाँ भोजन पानी सारी व्यवस्था रहने का बंदोबस्त उसका निःशुल्क आराम से करें। हाँ तो उन्हीं के परंपरा चलाया हुआ अभी तक चल रहा है, जितने भी संत आएंगे कोई विमुख के वापस नहीं जाते, नए विमुख नहीं जाएंगे और आश्रम के अनुकूल रहेंगे वातावरण में, तो उनको जितना दिन रहना है रह लो, अपनी मन से आओ अपनी मन से जाओ, 10 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन महीना दिन रह सकते, जमात झुंडी तो नहीं रहते, एक्का दुक्का वाले रहते। हाँ। अब ये चला सीरीज, अब ये चला तो अब ये सब जमीन जायदाद ये सब धीरे धीरे सब ब्रह्म बाबा में जुड़ गया। अच्छा। जुड़ गया अब संत सेवा होने लगे रहने लग गए, महाराज जी रहे, फिर महाराज जी आ गए छोटे वाले सरजूदास जी महाराज, ये आए तो फिर ये तो परिया सब था कोई कह रहे, तो महाराज जी बोले कि कुछ इसका ये करते तो कुछ सब्जी लगा दे। अच्छा, मेरे जानने के लिए को बड़ा इच्छा हो रहा है, सरजूदास जी महाराज जब इधर आए हैं उसके बाद आप आए, उस टाइम आपको उम्र कितना था करीबन? वही 30 33 अच्छा 30-32 साल का मैक्सिमम आपको उम्र होगा। मैंने एकदम आप उस टाइम सरजूदास जी महाराज का भी उम्र करीबन 70 साल के आसपास होगा, उनका उम्र था इनका महाराज जी का और ज्यादा, हाँ उनका और ज्यादा था। तो अब उस समय से हम जगन्नाथपुरी गए। अच्छा, ये दोनों रामदास जी महाराज और सरजूदास जी महाराज रहते हुए आप जगन्नाथपुरी? हाँ, ये तो रहे, अब ये तो सब संभाल लिए। हाँ। इधर चलना फिर कुआं बनवाना, महाराज जी कुआं बनवाए। अच्छा, मैंने कुआं का मैंने पानी तो था ही, इसको कुआं का रूप दिया गया है। नहीं, वो झिरिया था। हाँ, झिरिया था। तो उसको कोड़ के लोगों ने माना कि यार कुआं बनाएगा तो मर जाएगा, ऐसा ख्याति है, तो इसीलिए कुआं आज तक नहीं बना। अच्छा। महाराज जी का जो होगा ब्रह्म बाबा, तो उसी समय महाराज जी और दतुवन किए ना जामुन का पेड़। अच्छा। जामुन का दतुवन। हाँ। और उसको चीरा लगा के फेंक दिए, वही दो पेड़ है ये। अच्छा, ये देखिए। हाँ, ये जो देखिए ये सामने आपको मैं दिखाते जा रहा हूँ, ये दोनों जामुन का जो पेड़ है ये हमारा श्री रामदास जी महाराज जब थे ये जामुन का एक डंडा को दातुन करते थे और उसको दो टुकड़ा करके दोनों जगह में फेंका था और उससे ये मुहिम को आकार धारण करके वो जामुन का जज खड़ा है। दो पेड़ हो गया उसके बाद इसमें खूबी है जामुन में, कहीं जामुन नहीं रहेगा ये पहले फलेगा। मैं देख रहा था जामुन फला हुआ है और मीठा भी है। मीठा भी है, मैं उसका देखा भी हूं। बाजार में आएगा तो यह जामुन खत्म हो। बड़े आश्चर्य है। तो ये थी महिमा, ये दोनों मूर्ति बड़ी तपस्वी थी। तो सरजूदास जी महाराज ना इसकी करके व्यवस्था कर सब व्यवस्था धीरे धीरे, मैंने उसका तत्वावधान में सरजूदास जी महाराज का तत्वावधान से धीरे धीरे हुआ, उसके बाद आप आप समझ लिया। ठीक, हम तो घूमते ही थे। अब हम आना जाना 70 में इसमें उसमें आने जाने लग गए, 70 से फिर 71-72-73 75 ऐसा होते रह गया, 80
80 में मैं घूमने बाहर के सब को आया तो महाराज जी बोले बड़े महाराज रामदास जी महाराज काफी उम्र का ये देखो अब मत जाओ मेरे को चिंता होता है यहीं रहो। तब दो दिन तीन दिन रहे और घूमने की चस्का है और तीन दिन रहे तो देखे आराम है सब कुछ है बातचीत ठीक है। तो मैं कहा पुजारी जी से इनको पुजारी जी कहते थे अच्छा सरदूदारी महाराज मैं बोला घूम के आ जाता हूँ तो बोले नहीं मैं जगाता हूँ बना नहीं वो पा के सोते मैं जगो मैं आ जाता ऐसे ही करके गया तो 84 में इनका शरीर गमलीन हो गया गमलीन हो गया तो वो फिर मेरे को बुलाए तार दिए उस समय मैं उड़ीसा में हाँ उड़ीसा में था उस समय तार चलता था टेलीफोन हाँ उस समय तार दिए तो मैं आया फिर भर भंडारा सब कुछ हो गया शामिल हो गया तब बोले वो सरदूदार जी महाराज कि अब मत जाओ अब मैं अकेले हो गया महाराज जी थे तो दो मूर्ति थे तो आप पूछा जी ने आपका अभी तो आप तो पुराने मूर्ति है क्या है फिर मैं आता हूँ ऐसा करके गया तो फिर मैं आया कुंभ मेला के लिए प्रयाग जाने के तब वो एक बोर कराए बोर कराए कुआं में पानी कम हो गया था एक और कुआं है उस तरफ बोले अब मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो अब आप ले जाए नवासी बोला अच्छा तो ठीक हो जाएगा तो हम जाएंगे बोले हाँ ठीक हो जाएगी और ठीक हो ही नहीं जितना डॉक्टर रास्ता को दिखा दिए और जितना दवाई दी तो ऐसा स्नेह हो गया उनका कि नहीं देखते तो खोजते पुराने आदमी सब लोग बताएगा बहुत स्नेह तो 96 में 89 में उनको इलाज वगैरह बहुत करा जल्दी ठीक हो जाए और उनमें कोई बीमारी नहीं धीरे धीरे बीमारी वो जल पीना बंद कर दिया महात्मा थे ना महाराज कितना में कौन साल में ब्रह्मलीन हो गया था 96 में एक लंबा सफर के बाद आप जमींदारी लिया और 89 से मेरे चार्ज में हो गया और सब व्यवस्था करके
ठीक, ये सब कुटिया था, ये सब था, विवाद भी बहुत था, जो जहाँ रहा उसी को कब्जा करना चाहिए। मैं लेकिन बाबा का जो है वो तो कब्जा करने से कुछ होने वाला तो है नहीं, धीरे धीरे इधर ही होगा। तो फिर ब्रह्म बाबा से बोले कि ये तो विवाद बहुत है, कैसे हो? बोले शांत रहो, सब ठीक है, शांति सब कुछ। और वैसे ही हुआ, शांत रहे। एक महात्मा आए, ये चाल था ना, ये सब गरीबों के लिए, गरीब लोग आया, महाराज थोड़ा दे बनाते, जो किराया होगा देंगे, आठ आना चार आना एक रुपया में सब कब्जा कर महीने। और कोई देता नहीं, देता वो लोग दो महीना तीन महीना चार महीना बोलने से क्या दे दो, नहीं मानेंगे नहीं, हमको जब होगा तो। अर्जुन सिंह आए ने, अर्जुन सिंह झोगी झोपड़ी कह दिया, झोगी झोपड़ी अब उसी के हो गए, कम्युनिस्ट वाले कब्जा कर, सब कम्युनिस्ट वाले। फिर ब्रह्म बाबा की कृपा है, कोई पंचायत नहीं, सब सुलभ से काम है। ठीक बाबा जी, और क्या प्रेम से बोलो सिया वाला राम जी के। अब वो परंपरा से आश्रम का संत सेवा, गौ सेवा सब चालू हो चालू है। उसके बाद अभी पीछे अप्रैल 22 अप्रैल को राधे श्याम जी महंत के अंदर पगड़ी दे दिया, यहाँ से तो आपकी जानकारी है। हाँ। अब वो जवाबदारी उनकी हो गई, अब हम भजन जय। मंदिर में भी जाते हैं लोग, बहुत सारे निष्काम भाव से जाते हैं, दर्शन करूंगा भगवान के करूंगा, उनको मंदिर से कोई लगाव नहीं। जो स्वार्थ भाव से जाते हैं, वो मंदिर में क्या है, कहाँ से आमदनी है, कैसे है, इसमें हमारा कैसे प्रवेश होगा, इसमें मेरा अधिकार कैसे होगा, मैं कैसे इसमें जुड़ूंगा, तो उनका क्या है, वो गाना में कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, वो तो दिखाते मैं भक्त बन के आया हूँ, लेकिन उनके भक्ति के मतलब नहीं, उनको तो इस आश्रम में प्रवेश की जरूरत है, इसमें अधिकार की जरूरत है, इसलिए वो टिक नहीं पाते। अजूर पर कहीं उनका लह भी जाता है। प्रेम से बोलो सिया वाला राम जी। वो परंपरा से आश्रम का संत सेवा, गौ सेवा सब चालू हो। उसके बाद अभी पीछे अप्रैल 22 अप्रैल को राधे श्याम जी महंत के अंदर पगड़ी दे दिया, यहाँ से तो आपकी जानकारी है। हाँ। अब वो जवाबदारी उनकी हो गई, अब हम जय जय।